तो बच्चों, हम आपको पिछली क्लास में वर्णमाला के बारे में बता दिए थे और वर्णमाला में हम आपको स्वर और व्यंजन दोनों कंप्लीट करा दिए थे। आज का हमारा टॉपिक होगा अल्पप्राण और महाप्राण। तो सबसे पहले हम देखेंगे अल्पप्राण के बारे में, उसके बाद हम देखेंगे महाप्राण के बारे में। तो सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट टॉपिक होगा अल्पप्राण। तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारे मुख से कम मात्रा में वायु निकलती है उसे हम अल्पप्राण के नाम से जानते हैं। यहां से भी आप देख सकते हो अल्प का मतलब होता है बहुत कम मात्रा में, ठीक है। तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारे मुख से कम वायु निकलती है उसे हम अल्पप्राण कहते हैं। ठीक है, ये तो हमारी डेफिनेशन हो गई कि अल्पप्राण कौन कौन से होते हैं। कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारे मुख से कम मात्रा में जो वायु निकलती है उसे हम अल्पप्राण के नाम से जानते हैं। अब हम देखेंगे कि अल्पप्राण में हमारे कौन कौन से वर्ण आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर जो मैंने लिख दिए 25 हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं, और स्पर्श व्यंजन में से हमारे कौन से अल्पप्राण के अंदर आते हैं और कौन से हमारे महाप्राण के अंदर आते हैं। तो मैं यहाँ पर नोट कर देता हूँ एक सुविधा के अनुसार, पहला पॉइंट, दूसरा, तीसरा, चौथा और लास्ट हमारा पांचवा। तो जितने भी हमारे पहले पद हो गए और तीसरा और हमारा लास्ट है पांचवा, पहला, तीसरा और पांचवा, जिनके अंदर जितने भी हमारे व्यंजन आएंगे वो हमारे अल्पप्राण के अंदर आते हैं। और उसमें से हम देखेंगे जो बचे हुए पद होते हैं कुछ हमारे, दूसरा और चौथा पद है हमारा, वो हमारा महाप्राण के अंदर आएंगे। ठीक है, तो अल्पप्राण में ये सारे हो गए। और इसके बाद हम देखते हैं कुछ हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं, अंतस्थ व्यंजन, य, र, ल और व, ये हमारे स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन के बाद हमारे कुछ अंतस्थ व्यंजन होते हैं ये य, र, ल और व। य, र, ल, व जो हमारे जो चारों के चारों अंतस्थ व्यंजन होंगे वो भी हमारे अल्पप्राण के अंदर आते हैं। अब हम इसके बाद देखेंगे महाप्राण, सेकंड है हमारा महाप्राण। ठीक है, इसको मैं यहां से मिटा देता हूं। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारे मुख से अधिक मात्रा में वायु निकलती है उन्हें हम महाप्राण के नाम से जानते हैं, महाप्राण के
नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो चार्ट बना था इसे हम बना रहने देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं जो बचे हुए पद हमारे होते हैं, दूसरा और हमारा चौथा। ठीक है, देख रहा होगा आपको जो मैंने यहां पर जो लाल कलर में दिखाए हैं, दूसरा और चौथा पद है हमारा, ये हमारा महाप्राण के अंदर आते हैं। और कुछ हमारे जैसे हमने उसमें अल्प प्राण था, अल्प प्राण में हमने अंतस्थ व्यंजन लिए थे, और इसमें हमारे कुछ हमारे जो तीन चार जो ऊष्म व्यंजन आते हैं वो भी हमारे महाप्राण के अंदर आएंगे। तो यहां पर हम ऊष्म व्यंजन लिखते हैं, ऊष्म व्यंजन। ठीक है, श स स और ह। ठीक है, ये चार हमारे ऊष्म व्यंजन हो गए। ऊष्म व्यंजन हमारे कौन से में आएंगे, महाप्राण के अंदर। इसके बाद हम देखेंगे कि हमारे कौन से अघोष व्यंजन होते हैं और कौन से हमारे घोष व्यंजन होते हैं। तो इसके बाद हमारा कौन सा होगा, अघोष व्यंजन हमारे कौन कौन से होते हैं, तो यहां पर हम देखेंगे तीसरा पॉइंट है हमारा अघोष व्यंजन। अघोष व्यंजन जिन वर्णों का तो अल्प प्राण और महाप्राण कंप्लीट हो गया है। अल्प प्राण के बाद हम देखेंगे अघोष व्यंजन और कौन से होते हैं और हमारे घोष व्यंजन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अघोष व्यंजन कौन से होते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हम नाद की जगह पर केवल केवल श्वास का प्रयोग करते हैं वो हमारे अघोष व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो चार्ट बनाए इसमें से हम देखेंगे कि अघोष व्यंजन कौन से होते हैं और घोष व्यंजन कौन से होते हैं। जो हमारा पहला पद हो गया और दूसरा पद, तो शुरुआत के हमारे जो दोनों पद होते हैं ना, क ख च छ ट ठ त थ प और फ, तो शुरुआत के हमारे जो पहला और जो दूसरा पद होता है वो सारे हमारे किस में आते हैं, अघोष व्यंजन में आते हैं, और हमारे कुछ हमारे ऊष्म व्यंजन आते हैं, ऊष्म व्यंजन स स और स। तो तीनों हमारे जो स होते हैं वो हमारे किसके अंदर आते हैं, अघोष व्यंजन के अंदर आते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि हमारे घोष व्यंजन कौन से होते हैं। ठीक है, तो मैंने यहां पर पहले से लिख रखा है, टाइम बच जाएगा इससे। ठीक है, तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल नाद का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम घोष व्यंजन के नाम से जानते हैं। कौन सा होगा हमारा, कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल और केवल नाद का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम घोष व्यंजन के नाम से जानते हैं। तो यहां पर हम देखेंगे चार्ट में जो पहला और दूसरा जो पद हो गया वो तो हमने अघोष व्यंजन के अंदर ले लिया था। अब हम देखेंगे जो बचे हुए हमारे जो तीन पद है ना, हमारे तीसरा चौथा और पांचवा। ठीक है, तीसरा चौथा और पांचवा, ये सारे के सारे हमारे घोष व्यंजन में आ जाएंगे। ठीक है, और यहां पर जो ऊष्म व्यंजन की जगह पे कौन से आएंगे, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, य र ल व और ह, यहां पर हा जो होता है वो हमारा अंतस्थ जो व्यंजन है, वो जो हा जो पहले हमने लिया था ये हमारा घोष व्यंजन के अंदर आएगा। ठीक है।